हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज हमारा लास्ट पार्ट है, दैट इज़ फिफ्थ वन सीएसएस सेलेक्टर का, जो कि हमारा है सीएसएस एट्रीब्यूट सेलेक्शन। तो चलिए बिना किसी देरी के टॉपिक की शुरुआत कर लेते हैं। तो बेसिकली ये किस लिए यूज़ करते हैं कि अगर हमें किसी भी एट्रीब्यूट का यूज़ करके कहीं किसी एलिमेंट पे स्टाइलिंग करनी है, तो हम इस सीएसएस एट्रीब्यूट सेलेक्शन का यूज़ करके वहाँ पे स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा सीएसएस एट्रीब्यूट सेलेक्शन, इसमें क्या होता है, ये हमारा एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा जहाँ पे भी हम वो एट्रीब्यूट पास करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ए, फिर हमारा ब्रैकेट में लिखा है टारगेट, और उसका मैंने कर ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसमें मैंने दे दिया कलर रेड। तो ये क्या होगा, और मैंने यूज़ किया है HTML में तीन एंकर, जिसमें कि मैंने दो एंकर में दिया है टारगेट, एक में दिया है टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, दूसरे में दिया है टारगेट इज इक्वल टू टॉप, और थर्ड वाले में मैंने टारगेट नहीं दिया है। तो हमारा कलर रेड किस में लगेगा, हमारा जिसमें मैंने टारगेट ब्लैंक दिया है और जिसमें हमने टारगेट टॉप दिया है, क्योंकि उससे वैल्यू से मतलब नहीं है, उससे मतलब है कि आपने टारगेट कहाँ कहाँ पास किया है। तो ये हमारा जिसमें मैंने पास किया है, उन दोनों एंकर में हमारा कलर रेड हो जाएगा, राइट। तो फिर सेकेंड है हमारा सीएसएस एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वैल्यू सेलेक्टर। तो इसमें नाम से समझ में आ रहा है कि हमारा वैल्यू, मतलब अगर हमारी, जैसे हमने ऊपर में बताया कि हमारा वैल्यू से मतलब नहीं है, हमारे एट्रीब्यूट के बेसिस पे सेलेक्ट करता है। इसमें क्या करता है, हमारा एट्रीब्यूट प्लस हमारा वैल्यू उसके क्या है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन पे सेलेक्ट करता है। तो जैसे मैंने कोई भी वैल्यू दे दी, हमने दो एंकर दिए, एक में मैंने दे दिया टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, दूसरे में दे दिया हमने टारगेट इज इक्वल टू टॉप, राइट। और फिर मैंने सीएसएस दी है एंकर ए ब्रैकेट में टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, तो हमारी सीएसएस किस पे लगेगी, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक वाले पे, ना कि टॉप वाले पे, क्योंकि ये वैल्यू को भी सेलेक्ट कर रहा है। तो फिर हमारा थर्ड वन है सीएसएस एट्रीब्यूट टिल्ट इज इक्वल टू वैल्यू सेलेक्टर। ये हमारा उन एलिमेंट को सेलेक्ट करता है जहाँ पे एट्रीब्यूट वैल्यू होती है विथ स्पेसिफाइड वर्ड। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे दे दिया टाइटल टिल्ट इज इक्वल टू कोट्स में हमारा फ्लावर, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और हमारी वैल्यू हो गई बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया मैंने बाय चांस, राइट। तो अब इसमें क्या होगा कि मैंने अगर कोई भी जैसे पैराग्राफ यूज़ किया, मैंने पैराग्राफ में मैंने पास किया टाइटल हमारा फ्लावर, एक में पास किया मैंने टाइटल हमारा बटरफ्लाई, तो हमारा एक किस पे लगेगा, टाइटल हमारा फ्लावर जिसकी वैल्यू होगी स्पेस ये वाला वर्ड होगा वहाँ पे लग जाएगा। हाँ, अगर मैंने इस तरह से भी पास किया टाइटल इज इक्वल टू फ्लावर, फिर हमने स्पेस दे दिया, फिर मैंने बटरफ्लाई दे दिया एक पे, तो वो उस पे भी लग जाएगा क्योंकि उसे फ्लावर वर्ड मिल गया, और हम किसको इनहेरिट कर रहे हैं, फ्लावर वर्ड को, तो वो हमारा बैकग्राउंड कलर वो उस पे भी लगा देगा। तो बेसिकली ये हमारा स्पेसिफाइड वर्ड को पिक करता है। फिर हमारा आता है सीएसएस एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वैल्यू सेलेक्टर। इसमें क्या होता है, इज यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट विथ स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट स्टार्टिंग विथ स्पेसिफाइड वैल्यू। दैट मीन्स, फॉर एग्जांपल, अभी मैंने यहाँ पे पहले हम सीएसएस लिख देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं HTML में किस तरह से लिखते हैं। मैंने सीएसएस में लिखा क्लास फिर लाइन इज इक्वल टू टॉप, और हमने फॉन्ट साइज दे दिया 12। अब क्या होगा, मैंने HTML में लिखा है, मैंने दो जगह दो वैल्यू ले ली हैं, मैंने तीन पैराग्राफ ले लिए, तीनों पैराग्राफ में मैंने एक में दिया है क्लास टॉप, दूसरे में मैंने दिया है टॉप हाइफन टेक्स्ट, थर्ड वाले में दिया है टॉप टेक्स्ट विदाउट एनी हाइफन विदाउट एनी स्पेस, राइट। तो क्या होगा, ये हमारा किस पे लगेगा, जिस पे मैंने क्लास दिया है टॉप और जिस पे हमने क्लास दिया है टॉप डैश टेक्स्ट, उन दोनों पे लग जाएगा, राइट, क्योंकि उसे वो टॉप वर्ड वहाँ पे मिल गया है। और इसका इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि वो जो स्पेसिफिक वर्ड है वो में होना चाहिए, या फिर हमारा हाइफन के साथ हमारा कोई और वर्ड होना चाहिए, तो हमारी उस पे वो सीएसएस लग जाएगी। फिर हमारा आता है सीएसएस एट्रीब्यूट, ऊपर हमारा छोटा सा एरो बना हुआ है इज इक्वल टू वैल्यू सेलेक्टर। दिस सेलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स हुज एट्रीब्यूट वैल्यू बिगन्स विद स्पेसिफाइड वैल्यू।
राइट। इसमें क्या है कि मैंने एग्जांपल में ले लिया ये सीएसएस क्लास और ऊपर कैप इज इक्वल टू टॉप और मैंने दे दिया बैकग्राउंड ब्लू, राइट। अब इसमें क्या होगा कि हमारा मैंने तीन पैराग्राफ लिए, उसमें मैंने दे दिया सेम जैसे मैंने पिछले में दिया था, एक में दे दिया क्लास टॉप, दूसरे में दे दिया टॉप हाइफन टेक्स्ट, तीसरे में दे दिया टॉप टेक्स्ट। इसमें क्या होगा, हमारा ये बैकग्राउंड ब्लू तीनों में लगेगा, क्योंकि इसके साथ क्या हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इससे ये इसमें मतलब नहीं है कि आपका पूरा वर्ड हमारा जो टॉप जैसे मैंने लिया है वो पूरा वर्ड टॉप ही होना चाहिए, बस उसको वो टॉप मिलना चाहिए उस पूरे वर्ड में। इसमें कोई हाइफन नहीं भी होगा तो भी कोई इशू नहीं है, ये बस टॉप वर्ड अगर होगा हमारा स्टार्टिंग में अगर उसे टॉप मिलता है तो वो उस पर सी एस एस ऐड कर देगा। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। फिर हमारा आता है सी एस एस एट्रीब्यूट डॉलर इज इक्वल टू वैल्यू। तो इसमें क्या है, हुज एट्रीब्यूट वैल्यू एंड्स विद स्पेसिफिक वैल्यू। अगर जो भी हम जैसे कि अगर मैंने सी एस एस ले ली क्लास डॉलर इज इक्वल टू टेस्ट, अब मैंने इस पे कलर दे दिया रेड, ठीक। अब मैंने इस पे एच टी एम एल क्या लिखा हुआ है, तीन पैराग्राफ लिए हुए हैं, उस पे मैंने दे दिया है हेलो टेस्ट, एक पे दे दिया है मैंने टेस्ट, एक पे दे दिया है हेलो हाइफन टेस्ट। अब ये तीन है वैल्यू, अब तीनों वैल्यू, अब मैंने अब जब इस पे जो सी एस एस लगेगी वो क्या होगा, वो सब पे लगेगी, इस पे मतलब नहीं है, बस इसमें ये है कि हमारा एंड टेस्ट से होना चाहिए, इसमें ये नहीं है कि हमारा हाइफन लगा हो या स्पेस, उसे लास्ट में टेस्ट मिलना चाहिए, वो उस पे सी एस एस एड ऑन कर देगा। फिर हमारा आता है सी एस एस एट्रीब्यूट एस्ट्रक इज इक्वल टू वैल्यू एज सेलेक्टर। दिस सेलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट हुज एट्रीब्यूट वैल्यू कंटेन अ स्पेसिफाइड वैल्यू। मतलब अगर हम कोई सी एस एस ले लेते हैं जैसे कि एग्जाम्पल क्लास एस्ट्रक इज इक्वल टू हमने कोट्स में लिख दिया टी ई और उसमें मैंने कलर दे दिया रेड, राइट। अब क्या होगा, हमने जो है तीन पैराग्राफ में क्लास दे दी तो उसको कहीं पे भी टी ई मिलेगा, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, चाहे वो एंड में हो, चाहे वो मिड में हो, जहाँ पे भी उसे टी मैच करेगा वो उस वाले एलिमेंट पे वो सी एस एस ऐड कर देगा जो हम यूज़ करेंगे। तो ये कुछ होता है, कुछ इस तरह से काम करता है। तो ये सारे हैं जैसे कि हम उस एट्रीब्यूट का यूज़ करके कुछ इस तरह से कंडीशन लगा के सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो हम एट्रीब्यूट सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके स्टाइलिंग करते हैं, वो हम फॉर्म्स में करते हैं क्योंकि फॉर्म्स हमारा इनपुट का हमने जैसे एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लिया तो बेसिकली उसी के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है और हम उसी फॉर्म में ही एट्रीब्यूट का यूज़ करके डिज़ाइनिंग करते हैं। तो ये हमारा एज ऑलवेज हम टेबल भी आपको दिखा दे रहे हैं फॉर समरी, जिससे आपका रिविज़न हो जाए। तो ये हमारा है सेलेक्टर दिया हुआ, एग्जाम्पल दिया हुआ और एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन भी दिए हुए हैं, जिनके जिनकी हमने अभी बात करी हुई है वो सारे शॉर्ट में दिया हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से है इसका टेबल। तो चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो हमारा सी एस एस एट्रीब्यूट और ये हमारा लाइन इज इक्वल टू वैल्यू सेलेक्टर और हमारा सी एस एस एट्रीब्यूट ऊपर कैप इज इक्वल टू वैल्यू सेलेक्टर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हम इन दोनों पहले वाले को करेंगे तो हमारा कैसे रिजल्ट आएगा और इसमें करेंगे तो कैसे रिजल्ट आएगा, तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली वो आप हमें बताइए। फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन है सी एस एस एट्रीब्यूट डॉलर इज इक्वल टू वैल्यू, इसका हम लोग यूज़ करते हैं तो मतलब हमें क्या हमारे एच टी एम एल में होना चाहिए जो इससे हम सी एस एस जहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, लेट्स सी कौन कौन सही जवाब देता है और किसको किसको समझ में आ गया है। अगर आपको कोई डाउट भी होता है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर कुछ होगा तो हम ज़रूर उस पर रिप्लाई करेंगे। तो चलिए ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करते रहें और अगर आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही सीखते रहें, खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर।